बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो आप देखने वालों के अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम तवा कलेजी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने चिकन की कलेजी ली है आधा किलो। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली, पहले इसको धो लिया, फिर इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ जो है हमने लीमू लिया है, 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/3 टीस्पून ये गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी। नमक हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। तो फिर शुरू करते हैं। तवा हमारा नॉनस्टिक नहीं होना चाहिए, ये लोहे के तवे पे ही ये कलेजी अच्छी बनती है। और आपको पता ही होगा, बाज़ार वाले जब तवा कलेजी बनाते हैं तो नॉनस्टिक में नहीं बनती ये चीज़। तो अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया ना, अब इसको थोड़ा सा हम पहले भूनते हैं ना। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा हम फिर मसाले डालेंगे इसमें। इसमें सिर्फ लहसुन जा रहा है अभी, और इसमें दिल नहीं है ये कलेजी है सिर्फ, दिल नहीं है इसमें। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल दें इसमें, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक नहीं डालना मिर्चें और हल्दी, नमक नहीं डालना। इसको हम मिक्स करते हैं। नींबू भी मैंने नहीं डाला, जो हाफ मैंने आपको नींबू बताया था वो भी नहीं डाला, और अभी नमक भी नहीं डालना। इसको मिक्स करते हैं, बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाते हैं, इंशाल्लाह देखिएगा 5-6 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ये देखें, तवा कलेजी तैयार हो गई है। पूरे टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मुझे ये जो है ना रेसिपी कंप्लीट माशाल्लाह से हो गई है। नमक अब इस टाइम पर जब हम बिल्कुल चूल्हा बंद करने लगे हैं, इस टाइम पर हमने नमक और ये जो हाफ मैंने आपको नींबू बताया था ये निचोड़ दें। और आखिर में मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन ये कि जो कसूरी मेथी होती है वो थोड़ी सी हम इस पर डालेंगे, लेकिन मैं धो के डाल रही हूँ, और बाज़ार के आपको पता है धो के नहीं डालते, मिट्टी वगैरह होती है। तो ये धो के डाल दिए मैंने थोड़ी सी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। चूल्हा बंद कर दें। अब ये जो है वो तैयार हो गई है। इसी मतलब के रेसिपी के दौरान ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रख लीजिएगा। आप ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।